हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पेयर का डेफिनेशन ओके okay, तो डिस्टेंस ऑफ अ पेयर दैट इज़ ए एंड बी को डिफाइन करा हुआ है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ओके तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इंटीजर आर एन नम्स और एक इंटीजर के हम लोगों को रिटर्न करना है के एट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल देयर नम्स आई एंड नम्स जे जिसमें आई शुड ऑलवेज बी लेस देन जे एंड आई एन जे बोथ लाए बिटवीन जीरो एंड नम्स डॉट लेंथ तो यहाँ पे हम लोगों को नम्स दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में वन कामा थ्री कॉमा वन ओके तो और के दिया हुआ है वन अगर यहाँ पे सारे पेयर्स के हम डिफरेंसेज निकाल लें दैट इज वन कामा थ्री वन कामा वन थ्री कामा वन तो इसमें से जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जीरो सेकेंड स्मॉलेस्ट आ रहा है टू थर्ड स्मॉलेस्ट आ रहा है टू तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि सारे पेयर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो उसको कहीं पे स्टोर करके सॉर्ट कर दो और रिटर्न कर दो के माइनस वन पे जो भी वैल्यू है क्योंकि हम लोगों को के एट स्मॉलेस्ट बताना है ओके तो अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट बताना है तो वो ऑब्वियसली जीरो एथ इंडेक्स पे रहेगा फिर सेकंड स्मॉलेस्ट बताना है तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा तो एक तो ये तरीका हमारे दिमाग में आता है जिससे आ जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर ओ ऑफ एन स्क्वायर कैसे पेयर्स निकालते टाइम में ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगी और फिर उसके बाद सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी अलग रहेगी ओ ऑफ़ एन लॉग एन ठीक है बट हम इसको इससे बेटर तरीके से कर सकते हैं ठीक है बेटर तरीके से कर सकते हैं कैसे बाइनरी सर्च का यूज़ करके बाइनरी सर्च का जो इंट्यूशन है वो मेरे माइंड में ऐसे आया कि हमें बताना है के स्मॉलेस्ट ठीक है तो अगर हम एक सर्च स्पेस बना के हर डिफरेंस के लिए चेक करें मतलब एक पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए चेक करें कि क्या हमारे नंबर ऑफ पेयर्स लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स विद डिफरेंस लेस देन इक्वल टू हमारा जो हम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं डिफरेंस की उससे कम वाले जितने भी पेयर्स हैं अगर वो के के इक्वल आते हैं तो हम मान सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो आंसर है ठीक है मतलब जैसे इसमें मान लो कि डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक लाइ करेगा ज़ीरो से लेके टू तक कैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट है वन उसके बाद फिर से वन मतलब सॉर्टेड मैनर में अगर हम एरे को लिखें तो वन कॉमा वन कॉमा थ्री आ जाएगा ठीक है तो इसमें स्मॉलेस्ट डिफरेंस आ रहा है टू और जो सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस है वो आ रहा है थ्री माइनस वन दैट इज टू सॉरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जीरो आ रहा था और लार्जेस्ट डिस्टेंस टू आ रहा था तो ये हमारा सर्च स्पेस रहेगा मतलब हमारा जो भी आंसर है वो इसके बीच में ही लाया करने वाला है ठीक है तो क्यों ना हम चेक कर लें बाइनरी सर्च का यूज़ करके लॉग इन में कि हमारा कौन सा आंसर पॉसिबल आंसर बन सकता है मतलब कौन सी वैल्यू पॉसिबल आंसर बन सकता है ठीक है जैसे ज़ीरो से लेके टू तक अगर हम मिड वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी ज़ीरो प्लस टू डिवाइडेड बाई टू वन तो हम चेक कर लें कि क्या वन हमारी पॉसिबल आंसर बन सकता है तो वन के लिए चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव अ डिफरेंस लेस देन इक्वल टू वन ठीक है तो नंबर ऑफ़ पेयर्स जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू वन अगर हम देखें तो वन कॉमा वन का डिफरेंस आ रहा है ज़ीरो ठीक है तो ज़ीरो बन सकता है है ना इसमें कंसिडर हो सकता है देन वन कॉमा थ्री का आता है टू एंड देन अगेन वन कामा थ्री का आता है टू तो हमें यहाँ पे पता चला है कि जो वन है उसके लिए हमारा जो नंबर ऑफ पेयर्स आ रहे हैं विच आर लेस देन इक्वल टू विच हैव अ डिफ्रेंस लेस देन इक्वल टू वन वो आ रहे हैं वन ठीक है और हमें रिटर्न भी वन ही करना था ठीक है रिटर्न भी फर्स्ट स्मॉलेस्ट करना था एक्चुअली तो अगर हमें फर्स्ट मॉलेज रिटर्न करना है तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव अ डिफरेंस ऑफ लेस देन इक्वल टू हमारी मिड वैल्यू और अगर वो नंबर ऑफ पेयर्स आ जाते हैं के के इक्वल तो हम बोल सकते हैं कि वन हमारा एक पॉसिबल आंसर बन सकता है ठीक है वन एक पॉसिबल आंसर बन तो सकता है पर इसमें से किसी का भी डिफरेंस ना वन के इक्वल नहीं है यहाँ पे वन कॉमा वन है ज़ीरो वन कॉमा थ्री है टू एंड देन वन कॉमा थ्री अगेन है टू तो वन तो इस एरे के डिफरेंसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना वन इस एरे के डिफरेंसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम वन को एक पॉसिबल आंसर मान तो लेते हैं पर हम जाएंगे इसके पीछे ठीक है पीछे जाएंगे ये चेक करने के लिए कि ऐसा अब हम लोगों को एक लोएस्ट डिफरेंस निकालना है फॉर विच नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू के ठीक है नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव अ डिफरेंस लेस देन इक्वल टू जीरो एंड दोज नंबर ऑफ पेयर्स शुड बी इक्वल टू के तो अगर हम पीछे जाएं तो अभी हमारा मिड वन था तो अब हम एंड को कर देंगे मिड माइनस वन तो हम चेक करेंगे जीरो से लेके जीरो तक जीरो से लेके जीरो तक, तक अगेन वो क्या आ जाएगा जीरो तो अब अगर हम देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस आ रहा है लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है वन कॉमा वन का ठीक है और, और ऐसा कोई पेयर नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ पे जीरो डिफरेंस के लिए हमें एक ऐसा एक ही ऐसा पेयर मिला है जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू जीरो है और क्योंकि वो के के इक्वल है तो अब जीरो एक पॉसिबल आंसर बन सकता है और वो वन से छोटा भी है तो जीरो को हम वन के ऊपर प्रेफरेंस देंगे ठीक है और फिर से कर देंगे कि हम जीरो से छोटा कोई ला सकते हैं क्या ठीक है फॉर विच नंबर ऑफ पेयर्स बिकम इक्वल टू के ठीक है तो अब जीरो से छोटा लाने के चक्कर में हम आ जाएंगे माइनस वन पे तो रेंज क्या हो जाएगी ज़ीरो से माइनस वन जो कि एक फॉल्स रेंज है है ना इस रेंज में हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जो एंड है वो स्टार्ट से छोटा हो गया है तो हम इस केस में ज़ीरो रिटर्न कर देंगे ठीक है ज़ीरो हमारा आंसर होगा पर अब हम ये फाइंड आउट कैसे कर रहे थे कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं जिसका डिफरेंस आ रहा है लेस देन और इक्वल टू हमारा डिफरेंस ठीक है तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर रहे थे हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर आई लगाएंगे यहाँ पे और एक पॉइंटर जे लगाएंगे आई के जस्ट आगे ठीक है? या फिर आई पे भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है बट क्योंकि हमें जे हमेशा आई से ग्रेटर लेना है इसलिए ऐसा करेंगे ठीक है अब हम जे को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारा जो मिड वैल्यू था ना उससे कम रहता है डिस्टेंस ठीक है तो हमारा यहाँ पे मिड वैल्यू क्या था वन था तो आई वन है सॉरी नम्स ऑफ आई वन है नम्स ऑफ जे वन है तो इसका डिफरेंस आ रहा है जीरो तो जे को बढ़ा दिया हमने आगे और यहाँ पे लगा दिया थ्री के ऊपर ठीक है तो इसको लगा दिया हमने थ्री के ऊपर जब हमने इसको थ्री के ऊपर लगा दिया है अब डिफरेंस कितना आ रहा है टू आ रहा है टू इज ग्रेटर देन वन तो जे को अब हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे ठीक है जे को अगर हम और आगे नहीं बढ़ाते हैं तो इससे हमें कितने पेयर्स मिल गए जिसका डिफरेंस वन से कम था हम सिर्फ इसके साथ बनाने वाले पेयर्स की बात कर रहे हैं मतलब आई नम्स ऑफ आई के साथ बना रहे पेयर्स तो एक तो ये बन गया क्योंकि इसका डिफरेंस था लेस देन और वन क्या ये कंसीडर होगा नहीं होगा कंसीडर तो अभी तक हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए जे माइनस i माइनस वन बिकॉज जे अब एक ऐसी वैल्यू पे आ चुका होगा लूप खत्म होने के बाद जो कि वैलिड नहीं होगी है ना जिसका डिफरेंस वन से इक्वल या कम नहीं होगा तो इसलिए जे माइनस वन करा उस वैल्यू पे पहुंचे हम जिसके लिए वैलिड था और उसमें से डिडक्ट कर दिया आई ठीक है तो अब नंबर ऑफ पेयर्स हमें कितने मिल गए यहाँ से वन क्योंकि जे टू है जीरो है तो टू माइनस जीरो माइनस वन दैट इज वन तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स आई हमें मिल गया अभी वन ठीक है तो ये थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ओके, तो अब जे यहाँ पे था अब आई को आगे बढ़ाते हैं ठीक है अभी तक का हमारे पेयर्स कितने आ गए वन अब आई को बढ़ाते हैं आगे तो आई यहाँ से आगे बढ़ा तो अब हमें पता है क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो जो पिछला वाला आई था है ना पिछला वाला आई था अगर उसका हम j माइनस वन के साथ डिफरेंस निकाल रहे थे तो वो वन के साथ वन से कम आ रहा था है ना तो अब आई आगे बढ़ गया है तो नर्म ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई अगर ये चीज़ बढ़ गई है आगे है ना आई नम्स ऑफ आई भी बढ़ गया होगा है ना आई बढ़ गया है नम्ब ऑफ आई भी बढ़ गया होगा क्योंकि एरे सॉटेड है अगर ये बढ़ गया होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू तो कम ही होगी ओवरऑल वैल्यू कम होगी इसलिए हमें जे की पिछली वैल्यू उसके साथ हमारा जो न्यू आई है उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है है हाँ ना हमें पता है कि जो जे की पहले वाली वैल्यूज आ रही थी ना उनके साथ डिफरेंस निकालेंगे तो वो वन से कम ही आने वाला है ठीक है अब इस केस में आई इक्वल है मतलब नम्स ऑफ आई इक्वल है पर वैसे नम्स ऑफ आई ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है तो अगर हम फिर से वन के लिए चेक करें तो हमारा जो नम्ब ऑफ जे है माइनस नम्स ऑफ आई वो आ रहा है हमारा टू जो कि वन से ज़्यादा है अब क्योंकि वो वन से ज़्यादा तो हम जे को आगे तो बढ़ाएंगे नहीं और नंबर ऑफ पेयर्स जो वन के साथ बन सकती हैं वो होंगी जे माइनस आई माइनस वन दैट इज़ ज़ीरो तो अगेन हमारी वन ही है अभी तक तो हमारी इस वन के साथ बन सकती थी एक पेयर फॉर डिफरेंस लेस देन इक्वल टू वन और इस वन के साथ हमारी नहीं बन सकती अभी ओके okay? अब आ जाएंगे हम थ्री पे ठीक है अब थ्री पे आ जाएंगे तो जे को हम कहाँ तक बढ़ा सकते थे सिर्फ नम्स माइनस वन तक ठीक है और आई हमेशा जैसे छोटा होना चाहिए। तो अगर हम आई को थ्री पे ले भी आते हैं मान लो ठीक है आई को हम यहाँ पे थ्री पे ले भी आते हैं और जे भी थ्री ही रहता है ठीक है तो जे माइनस आई निकालेंगे जे माइनस आई निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो मतलब, तो तो छोटा है तो अगर यहाँ पे पेयर बनाने की हम कोशिश करें वैसे तो बन नहीं सकती क्योंकि जो थ्री है उसकी हम थ्री के साथ नहीं बना सकते थ्री की किसी और के साथ ही बना सकते तो पेयर बनाने की कोशिश करें तो जे हमारा क्या हो जाएगा इस केस में आगे बढ़ चुका होगा है ना क्योंकि ये जीरो है तो जे को हम आगे बढ़ा देंगे और जे को हम कब तक आगे बढ़ा सकते हैं नम्स डॉट लेंथ माइनस वन तक मतलब माइनस वन तक ही कंसिडर होगा जैसे ही नम्स डॉट लेंथ के इक्वल होगा जे दैट इज जे हो जाएगा थ्री के इक्वल तो वो लूप वहां पे ही खत्म हो जाएगा है ना क्योंकि उसके बाद आगे हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा तो जे हमारा थ्री हो गया और आई जो है वो हमारा टू हो गया ठीक है जे थ्री हो गया आई टू हो गया तो अगर हम नंबर ऑफ पेयर्स निकालने की कोशिश करें जो थ्री से बन रही हैं थ्री और उसके आगे के एलिमेंट से तो वो आएंगी जे माइनस आई माइनस वन दैट इज थ्री माइनस टू माइनस वन जो कि अगेन हो जाएगा हमारा जीरो तो हमें वन से छोटे वाले मतलब वन डिफरेंस से छोटे वाले पेयर्स कितने मिल गए यहाँ पे वन ओके okay, तो यहाँ पे वन मिल गया है और वो भी के इक्वल है तो वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम वन को आंसर नहीं मानेंगे हम और छोटे पे जाने की कोशिश करेंगे और ऐसे हमने जीरो रिटर्न किया था तो ये बस मैं इसलिए समझा रही थी कि हम निकालने कैसे वाले हैं कि हाउ मेनी पेयर्स हैव अ डिफरेंस लेस देन इक्वल टू मिड वैल्यू ओके क्योंकि हम मिड वैल्यू को एक पॉसिबल आंसर कंसिडर करना चाहते हैं ओके okay, तो इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट से तो सबसे पहले वही फंक्शन ले लेते हैं लिख लेते हैं प्राइवेट इंट तो यहाँ ले लेंगे पेयर्स विथ डिफ लेस और इक्वल मिड ओके तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मिड वैल्यू और यहाँ ले लेते हैं एंड नम्स तो आई को भी जीरो कर देते हैं जे को भी जीरो कर देते हैं इनिशियली ठीक है तो एंड जे इज इक्वल्स टू जीरो फॉर इंटाइज इक्वल टू जीरो जे को हम आई प्लस वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमेशा वैसे ही रहेगा बट इट डजेंट मेक अ डिफरेंस क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जब जे और आई बराबर भी हो जाता है तो हम जे को आगे बढ़ा देते हैं और जैसे अगर वन के केस में हम जीरो ले लेते हैं डिफरेंस है ना तो अगर यहाँ पे ही हम आई को स्टार्ट करते यहाँ पे ही हम जे को स्टार्ट करते ठीक है आई और जे दोनों को अगर यहीं पे स्टार्ट करते तो जे इवेंचुअली यहाँ पे पहुंच ही जाता है ना जे इवेंचुअली यहाँ पे पहुंच ही जाया जाता जे माइनस आई माइनस वन की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली थी है ना तो इट डजेंट मैटर कि जे को हम जीरो ले या वन ले तो इट शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस और वैसे ही को भी हमें नम्स डॉट लेंथ तक लेने की जरूरत नहीं है नम्स डॉट लेंथ माइनस वन तक ही ले तो बेटर है क्योंकि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका तो किसी के साथ पैर बनने नहीं वाला है आगे जाके है ना तो बेसिकली हम करते क्या है इसमें कि जो कोई भी आई है उसका हम पेयर बनाते हैं आई के आगे आने एले, वाले एलिमेंट्स मतलब आई प्लस वन से लेके नम्स डॉट लेंथ तक तो अगर हम नम्स डॉट लेंथ माइनस वन पे पहुंच गए तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना पेयर बनाने के लिए इसलिए हम नम्स डॉट लेंथ माइनस वन तक ही जाएंगे अब जे को कब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक पहली बात तो नम्स डॉट लेंथ से कम रहता है एंड नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू मिड वैल्यू तब तक आगे बढ़ा देंगे और फिर आंसर में क्या ऐड कर देंगे हमारा जे माइनस आई माइनस वन तो एक इंट आंसर भी ले लेते हैं जो इनिशियली जीरो रहेगा अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम आंसर ओके okay, तो ये आ गया वो फंक्शन जिससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ पेयर्स विद डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू मिड वैल्यू ठीक है अब हमारी आंसर की रेंज क्या होगी स्टार्ट इज इक्वल्स टू जीरो एंड इज इक्वल टू नम्स ऑफ नाम्स डॉट लेंथ माइनस वन माइनस नाम्स ऑफ ज़ीरो ओके तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं नम्स को पहले सॉर्ट करना रहेगा हम लोगों को ठीक है तभी यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट आएगा और मैक्सिमम माइनस मिनिमम से हम मैक्सिमम डिफरेंस निकाल पाएंगे अब यहाँ पे करेंगे स्टार्ट इज लेस देन और यहाँ निकालेंगे मिड मिड क्या रहेगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू ओके अब यहाँ पे निकाल लेंगे पेयर्स तो इसमें क्या क्या पास कर देंगे हमारी मिड वैल्यू सेम रहेगी और हमारा नाम जहर ओके okay. तो अगर हमारे आ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू के सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू के तो मेड हमारा एक पॉसिबल आंसर बन सकता है पर क्योंकि हमें लोएस्ट पे जाना है तो हम आंसर इक्वल टू मिड कर देंगे और एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन कर देंगे नाउ एल्स हमारा अगर जो नंबर ऑफ पेयर्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं कैसे तो क्या करेंगे स्टार्ट इज़ इक्वल्स टू मिड प्लस वन हमें थोड़ा बड़ा डिफरेंस चाहिए ठीक है अब जैसे ही हमारा जो एंड है वो स्टार्ट से कम हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे आंसर ओके okay, अब यहाँ पे मैंने आंसर भी नहीं लिया हुआ है तो वो भी ले लेती हूँ मैं इनिशियली माइनस वन ले लेते हैं रन करके देखते हैं एक बार ओके सैंपल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं सबमिट करके देख लेते हैं और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन दैट्स इट फॉर द वीडियो राधे-राधे